अरे मनोज भैया, तुम एक बार खा चुके हो ना यार, फिर दोबारा बैठ गए और पटांग जी से काम कर रहे हो यार। तुमको शर्म वरम नहीं आती क्या? एकदम बेशरम हो चुके हो यार। हमको भी खाने दो यार, हमको एक बार भी नहीं मिला। और सनातन भैया, तुम कैसे साइड में बैठ गए हो यार? भिखारी जी से लगता है भिखारी बैठे हो मंदिर में। सब के सब चोर हैं साले। भैया देखो टकलू बाबा, तुम ज्यादा उछल मत रहो, बता रहे हैं, वरना यहीं पे बैठ के खाते रहेंगे तुम्हारा नंबर भी नहीं आएगा। और भैया बगलोल भाई के हो चुके हैं 100 सब्सक्राइबर, तो भंडारा हुआ है, भंडारा में हम कितना भी खाएं तुम्हारी काय फटती है। तो सासरी के टकलू पुड़िया एक कंटाप लगा देंगे, बता रहे हम कभी कुआरी कुआरी मत बोलो, शर्म नहीं आती बेशरम कहीं के। तो हम साइड में बैठे हैं, कहां से कि आज हम नहा के नहीं आए हैं, और निकल रहे थे, देखे भंडारा हो रहा है, भैया बैठ गए। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतने शानदार विचार रखते हैं। वो सासरी के सनातन पुत्र है, तुमने एक दिन नहीं नहाया तो एकदम साइड में बैठ गए हो। और हमको तो लगता है मनोज भैया का हफ्ते से नहीं नहाए होंगे, फिर भी हीरो की तरह के देखो कैसे आगे बैठ गए हैं, ठूस ठूस के खाए जा रहे हैं। हमको तो मन करता है इधर से पीछे से एक आध जूता लगा दें तो आगे गुलंटी खाएंगे। देखो टेक्निकल धोबी, हमारे पीछे बैठे हो तो पीछे बैठे रहो, और ज्यादा बात करोगे ना तो हम पकड़ की चुटाई घुमा देंगे, फिर खाते रह जाओगे, खाने के दुर्गत उठने लायक नहीं बचोगे, हम बता रहे हैं। ज्यादा फड़फड़ाओ मत, हम बता रहे हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ? अरे भैया कब लाएंगे यार खाना, हमारे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं यार, हमको तो लगता है आगास लगने वाली है बैठे बैठे यहाँ पर। तो सासरी के टकलू बाबा निकल लो, इधर खाने आए हो क्या? आगने आए हो, एक कंटाप लगा देंगे। और भैया लोग बगलो यूट्यूबर्स के हो चुके हैं 100 सब्सक्राइबर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भैया लोग इस 100 सब्सक्राइबर को अभी आगे ले जाके 1000 सब्सक्राइबर करवाना है, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके अगर सपोर्ट कर दिया करो भाई को।